झारखंड हाईकोर्ट द्वारा कड़ा निर्देश जब दिया गया कि जितने भी अतिक्रमण है उन एरियाओं को हटाया जाए, सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाए, वैसे में अब जो है यह तस्वीरें जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह झारखंड FCCI की ज़मीन है और ठीक पीछे बजरंगबली के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोग मौजूद हैं, पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन लोगों का यह आरोप है कि जो यहाँ पर हम लोग ज़मीन में मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, इसमें आकर CO साहब ने धमकी दिया कि यहाँ मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, सरकारी ज़मीन है। क्या कुछ कहा CO साहब यहाँ आए तो बताया? CO साहब तो यही बोले हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनने देंगे। कितना दिन से मंदिर आप लोग यहाँ पर जोग के रखे हैं? मंदिर तो हमको लग रहा है कि हमको 45 साल से ज़्यादा हो गया होगा मंदिर का, इसे निर्माण करे मट्टी भरे हुए हैं पूरा, और क्या बोलेंगे, बहुत साल से। पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी क्या था यहाँ पर, कुछ बताइए। मैं तो यहाँ 25 वर्षों से पूजा कर रहा हूँ सर, और इसके पहले हमारे गांव घर के ही एक साला लगते हैं, वो लगभग 10 वर्षों से पूजा करते आ रहे थे। उनकी जब सर्विस हो गई SFC गोदाम में, तो फिर हम यहाँ पूजा कर रहे हैं 25 वर्षों से। तो यहाँ नया निर्माण नहीं हो, नया निर्माण जो बोलिएगा ना, नया निर्माण नहीं हो रहा, पहले से मंदिर का स्थापित था, उसी को थोड़ा सा बरसात के दिन में हम लोग भी देखे कि भगवान जी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पानी डब जमा हो जा रहा, हम लोग सोचे कि सही स्थान दे दे, बस यही कोशिश था, उससे ज़्यादा हम लोग कोई। इसके लिए तो परमिशन लेना होता है ना? किसके लिए? MD से। मैंने पहले से मना हुआ, उस समय हम लोग परमिशन नहीं लिया, आज हम लोग परमिशन लेने जा उनको सही स्थान देने के लिए। दिक्कत हो रही है, सही स्थान देने के लिए हम लोग कोशिश किए। बस ये सरासर राजनीति है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी चाहे सरकारी की बात आती है, जब इस गोदाम का निर्माण हुआ उस समय से पीछे महावीर बजरंगबली का पदाफी प्राण पक्ष के साथ हुआ था, तो आज परमिशन की कहाँ बात आती है। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये सरकार का राजनीतिकरण है, ये JVM सरकार हिंदुत्व कुटाराघात कर रही है, मंदिर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस ये राजनीति है, क्योंकि MD साहब भी आए थे, इसके पहले भी MD थे, उन्होंने जब बोला कि ऊपर से दबाव है, तो ऊपर से दबाव कैसे आपको है, इसका मतलब राजनीतिकरण है। मंदिर आपको पिछले 1978 से ही है, ये सबसे बड़ी आस्था का विषय है, 250 आदमी उसके आस्था के साथ ये इस गोदाम में, हाँ इस गोदाम में 250 मोटिया काम करता है, उन्होंने अपने पैसे से संदान करके इस मंदिर को जीर्णोद्धार कर रहा है। आदमी जितना लोग है 1500 लेके स्थिति का निर्माण किया, काम तो चालू है अभी। CO साहब जब आए थे तो क्या बोला? नहीं, हम लोग नहीं थे उसमें। आप थे? आप लोगों ने पहले परमिशन वगैरह कुछ लिया या अपने हम लोग नहीं था करके बनाने लगे? अपने चंदा करके, पहले से बना हुआ मंदिर था, तो वही मंदिर डूब रहा था। पुराना दीवार देखे जो दिख रहा है, बताइए उतनी पे था, क्या था जो मंदिर, मंदिर वो पुराना जो दीवार जो दिख रहा है ना, उस समय उतनी पे था, तो पानी इसमें जमा जो हो रहा जा रहा था ना, पानी जो जमा हो जा रहा था, इसलिए हम लोग सोच के चंदा इकट्ठा करके सोचे थोड़ा ऊपर कर देते हैं और कुछ नहीं, एल्वेस्टर चढ़ा देंगे, यही सोच के थोड़ा ऊपर कर रहे थे। इजाजत किसी से पहले लिख के दिया था कहीं? नहीं, लिख के नहीं दिया था, पहले से मंडल था, इसलिए हम लोग सोचे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि टूट जाएगा, साहब ने जब बोला, अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं मंदिर बन जाए, मंदिर बना कर रहेंगे, बनेगा, आज का नहीं है, 50 साल हो गया मंदिर, बाप मेरा दादा खटता था, बाप खटता था, हम आ गए हैं, तीन पीढ़ी चल चुकी, तीन पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी चल रहा है सर, तीसरा पीढ़ी चल चुका, क्या बोलेंगे आप, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। क्या बोलते हैं, कौन साहब बोल रहे हैं? CO साहब आए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बनेगा, परमिशन परमिशन लेंगे, क्या दिक्कत है, परमिशन लेंगे, बात करेंगे ऊपर से। वो देखो करके कागज हुआ चाँच उच करके गए, क्या मंदिर को सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है तरीके से? हाँ नहीं ना, सब जमीन तो देखिए ये सब कंपस जो है सरकारी है, FCI का ही जमीन है, SFC फूड कॉरपोरेशन ऑफ, नहीं स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई, ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, परमिशन नहीं लिया जा रहा। पहले यहाँ मंदिर बना हुआ था, उसके बाद जब ये बिल्डिंग बना ना, तो उधर से जो कचरा निकाला मट्टी उट्टी तो वहाँ पे फेंका, फेंकने के बाद वो मंदिर जो है सो नीचे हो गया, तो उसी को फिर मट्टी उट्टी को हटा करके और लेबलिंग करके
और थोड़ा सा ऊंचा करके जो छोटा सा मूर्ति थे उसी को रखने का विचार है हुआ सभी को, उसी के लिए सब आदमी 10-20-50-100-500 करके चंदा दे करके लोग बना रहे। कोई सांप्रदायिक बात नहीं, सांप्रदायिक बात इसमें कुछ नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है इसमें नहीं राज, इसमें सांप्रदायिक भी नहीं है ना राजनीतिक है। ये SFC का जमीन है, SFC का जो MD है वो कौन है, MD यहाँ बैठते हैं, उनका नाम हम लोग को पता नहीं है, वो मतलब रोक लगा रहे हैं कि भाई इस जमीन में मंदिर नहीं बनना चाहिए, सही बात। और कोई समझ नहीं लिया गया ना, इनसे अच्छी किसी से इन्फॉर्म अच्छी नहीं लिया गया परमिशन, हाँ इसीलिए रोक लगाया जा रहा है। और कोई सांप्रदायिक आज CO साहब ने क्या कुछ कहा? CO साहब आए थे, बोले कि तो हमारा मतलब अच्छी में है नहीं कि तोड़ फोड़ हम इसको करें, जो समझे कि नहीं तो सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति में बन रहा है तो इसको तो उसमें इसका जो मालिक है इस विभाग का वो भी आए थे, वो भी बोल के गए कि भाई अभी जितना जो ईटा बालू गिर गया बर्बाद होगा सब, हम लोग बोले तो उसमें बोला गया कि ठीक है जितना है उतना बना करके और इसको काम को बंद कर, काम बंद कर। आप क्या हुए यहाँ पर? अब क्या हम लोग यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, कर्मचारी। क्या नाम है? विनोद साहू। तो हमारे पीछे देख सकते हैं आपकी कितनी जो है फोर्स की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, फोर्स को भी उतारा गया है। और जैसा कि यहाँ के लोग स्थानीय कर्मचारी कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से जो MD है उनसे परमिशन नहीं लिया गया, हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ मंदिर हम बनवाएंगे, लेकिन CO साहब अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आकर यह धमकी दिए हैं कि जो ये मंदिर गलत तरीके से बनाया जा रहा है हम इसे बनने नहीं देंगे, काम को रोक दिया जाए। लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर यह मंदिर का निर्माण जो कर्मचारियों द्वारा कराया जा रहा है यह बनता है या काम को रोक दिया जाता है। दीजिएगा या क्योंकि पुलिस की भी तैनाती होगी, काम बंद करवाने दीजिएगा आप लोग। काम बंद तो नहीं होगा, मंदिर 50 साल से सर, कैसे काम बंद होने दें सर? 50 साल से मंदिर है, हम लोग का चंदा करके जितना गरीब है 20-25 रुपया डेली चंदा करके मंदिर को मैंने बना रहे, मैंने बना हुआ था इतना बजरंग वाले के नीचे गड्ढा में इतना पानी में ऊँचा करके थोड़ा सा हम बैठाना चाह रहे थे, कोई गुना कौन सा गुना सर कर दिया हम लोग। लेकिन आप ही के MD तो CO को बोले हैं कि नहीं गलत तरीके सर, तो MD साहब बोले हैं, तो MD साहब को बोले ना अगर गलत तरीका सर तो अगर 45 साल पहले नहीं बना होगा सर तो मंदिर नहीं बनेगा। वीडियो मंदिर के तो है, मंदिर के वीडियो सर देखा जाए, देख लीजिए FCI है चुटिया में, FCI से बहुत बड़ा FCI वहाँ चुटिया में है और इससे बेमिसाल मंदिर वहाँ है, हर एक जगह ब्लॉक में सगर हर एक जगह पर थाना में हर एक जगह पर मंदिर है और नया बना तो अलग बात है, पहले से मेरा बना हुआ 40 साल पुराना चुटिया FCI में है सर, रेलवे स्टेशन में है सर, हर जगह सरकारी जहाँ पर कोर्ट कचहरी में हर जगह मंदिर है सर, अगर यहाँ पर बने तो क्या मैंने क्या गुनाह किए सर हम लोग। चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं लगातार, हाँ लगातार चैनल के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, ये एक आस्था का सवाल है, यहाँ कुछ नहीं है, ये विगत 40 साल से मंदिर है, प्राण प्रत्यक्ष साथ प्रस्थापित था, वो नीचे कुछ पूरा पानी चलते धस गया था, और दूसरी बात पिछले विगत 7 दिन से काम हो रहा है, ये एकाएक ऐसा क्या प्रमाण आ गया कि आप काम बंद करो, इसके पर जो भी हुआ तो उसको अवसर ही बनवाए होंगे ना, तब मंदिर निर्माण हुआ था ना। मैं आपके लगातार चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ इस मंदिर या मंदिर भव्य मंदिर बने, और ये लोग अपना मोटिया मजदूर अपना पैकेट से बनवा रहा है, कोई इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद यदि भगवान बजरंगबली का मंदिर नहीं मरेगा इसके सामने आमरण अनशन करूंगा मैं, हम लोग सब जितना राय सो मोटिया है उसके साथ हम लोग बैठेंगे, यहाँ मैं जान दे दूंगा लेकिन काम बंद नहीं होगा, सब कर देंगे बंद, अनाज देना भी बंद कर देंगे। CO क्या सब CO जो भी बोले CO को तो ऊपर से बोला गया, इसके पहले 7 दिन से काम चलता कहाँ थे आप? आप नीचे का इसका फाउंडेशन देखिए कितना पुराना, उसमें दीमक लगा हुआ वो अति में ईटा में, ये थोड़ी नया बन रहा है, अरे 40 साल से जो मंदिर था उसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मंदिर नहीं तो राशन, और ये आप बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से यदि मंदिर किसी कारण अवरुद्ध हुआ तो टोटल गोदाम बंद होगा, राशन बंद होगा, राशन नहीं जाएगा किसी के यहाँ। बताइए क्या बोल रहे थे, पूछिए ना यहाँ ना, मंदिर नहीं तो मंदिर है तो राशन नहीं, ऐसा क्यों मंदिर नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ बात है भैया, मंदिर है तो राशन नहीं,
राशन रोक देंगे आप लोग? हाँ, राशन रोक देंगे। यदि मंदिर में कुछ अवरुद्ध हुआ तो जान भी दे देंगे सामने, मंदिर के सामने। पुलिस फोर्स की तैनाती? पुलिस पुलिस फोर्स में कोई गलत थोड़ी किया, मैं चोरी किया हूँ? ये पिछले 40 साल से मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, इसमें क्या चोरी है? परमिशन की जहाँ तक आप बोले सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, परमिशन किसको बोला जाता है? जिस गोदाम का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय इस मंदिर का प्रतिष्ठापित हुआ था, प्राण पक्षी का साथ प्रतिष्ठापित हुआ था, लेकिन आज क्या हो गया? परमिशन आप सब जगह चल जाइए, मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर एक थाना में मंदिर, हर एक गोदाम में मंदिर। क्या मंदिर क्या आज नया बन गया? मंदिर खुद बोले थे इस मंदिर के जो पुरोहित हैं वो भी बता दिए आपको। तो देखिए किस तरीके से बता रहे, इधर उधर से न्यूज मत लीजिए, मंदिर का जो पुरोहित है ना उनसे आप न्यूज लीजिए। हाँ, तो वो उनका कहना यही है कि काफी प्राचीनतम जो है ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पंडित जी से भी बात कर चुका हूँ कि यह मंदिर काफी पुराना है जी, मंदिर बनना चाहिए, आप पूजा कराते हैं? हाँ जी, चूंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, कंजेस्टेड जगह था, धूप में भी और भींग करके अभी बरसात में झुक करके एकदम पूजा करते थे। काम रुक जाएगा मंदिर पे तो क्या? नहीं, काम तो नहीं रुकना चाहिए, किन्हीं को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस धर्म के हो, आपत्ति नहीं होनी चाहिए उनको, चूंकि इससे कोई उनको दिक्कत नहीं हो रही है। मंदिर बनना चाहिए, आस्था का मतलब स्थल है, धर्म स्थल है, इससे सबको प्रेम होना चाहिए। जी परमिशन ऐसा होता है सर, जब हम गलत जगह में एक्वायर कर रहे हैं या वहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई रोक रहा है, हम नहीं रुक रहे हैं, वहाँ परमिशन की आवश्यकता होती है। यहाँ तो ऑलरेडी मंदिर बहुत पहले से है सर, 25 वर्षों तो मैंने कहा 25 वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूँ। ये पुरानी मूर्ति को देखी जाए और यहाँ का जो ईटा नीचे दिया हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है उसको भी देखा जाए, बहुत पुरानी है यहाँ का। जी मजदूर लोग हम आपस में निर्णय किए कि क्या हम लोग जो इतना घर में खाते हैं तो क्या कुछ उसमें कटौती करके, अपने बाल बच्चों से कटौती करके, और उसका कुछ हिस्सा हम नहीं लगा सकते हैं धार्मिक कार्य में? तो सब मिलकर के हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया, हम मजदूर भाई सब एक साथ, कि हाँ कुछ ना कुछ हम लोग प्रतिदिन यहाँ से निकालेंगे। और इसका आज कई साल से हम लोग चंदा चुटकी करके, कुछ कलेक्शन भी था पहले से भी, और उसको करके अब सोचे कि अब इसको बनना चाहिए। कोरोना काल में जी जी सभी के का यही कहना है, ये मजदूर देखिए एफसीआई के सभी जो है मजदूर हैं, राशन उठाते हैं, और सभी का कहना है मंदिर नहीं तो राशन नहीं। हालांकि सरकार जो है इस पर अब क्या संज्ञान लेती है, मंत्रालय क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्योंकि कोर्ट का सख्त निर्देश है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि हमने जब सीईओ से बात की, जो अरगोड़ा के सीईओ हैं अरविंद ओझा, उनसे भी बात की, तो उनका द्वारा कहा गया है कि जो एमडी हैं एफसीआई के, उनके द्वारा कहा गया है कि हमसे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की बिना परमिशन के यहां पर निर्माण कराया जाए। हमको जहां जानकारी मिली है, पुराने आदमी हैं 30-40 साल से, कितने मोटियाँ हैं जिनके दो पीढ़ी काम करके मर गए यहाँ से, उन्होंने बताया, जीएम खुद ने बोला था कि हम मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर पहले से था उसी समय से, उसके बाद ऐसा फरमान, ये हमको समझ से परे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलूँगा, इसको दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आस्था का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं, पर मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि परमिशन हुआ तब तो मंदिर बना, जिस समय इस मंदिर का निर्माण मतलब ये एसएफसी का निर्माण हुआ था, उसी समय मंदिर का पुनर्धार हुआ था, उसी समय प्राण प्रतीक साथ बैठाया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज परमिशन कहाँ? हाँ, जीएम साहब खुद उस समय जो जीएम थे, तत्कालीन जीएम जो रिटायर कर गए, उस समय बोला गया था तब बना था, सबके बीच में बना था, अफसर खुद बोले थे इसमें कोई घर तो बन नहीं रहा है सर जी। हाँ, मूर्ति को आप देख लीजिए, ये आस्था का प्रतीक है। मैं तो आपके माध्यम से ही बोलूंगा, जय श्री राम नारा लगाते हुए बजरंग मंदिर बनना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, यहाँ कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मंदिर था और मंदिर रहेगा, क्या उसके लिए जान दे देंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जय श्री राम के नारा लगाया जा रहा है, और ये मंदिर पे जो है कहीं जा रही है, अभी फिलहाल रोक लगाया जा रहा है, लेकिन ये रोक लगने वाली नहीं है, हमने पहले ही परमिशन ले रखा है, 40 साल पुराना मंदिर है, नया मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सीईओ ने कहा है कि काम को रोक दिया जाए। देखिए किस तरीके से मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन हालांकि जो सीईओ है अभी इस वक्त थोड़ा देर पहले आकर मंदिर के निर्माण के कार्य को रोक लगाने की बात कही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मंदिर का निर्माण होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं जो राशन उठाते हैं उनका कहना है मंदिर नहीं तो राशन नहीं।
तो अपने राशन जो उठाते हैं, जो यहाँ गोदाम में काम करते हैं, उन मजदूरों का कहना कि हमने अपने पैसों से इस मंदिर को बनाने का काम किया है और इसके रोक अगर लगती है तो हम अपना प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ पर त्याग देंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।